कृष्णा जी, जिस दिन भीड़ का जवाब भीड़ दे देगी, सामने वाले भीड़ के काफी फूल झड़ जाएंगे और सब शांत हो जाएंगे और ये पुलिस से कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस से कंट्रोल नहीं होगा। कृष्णा जी, याद कीजिए हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने क्या कहा था, लड़ाई ढाई मोर्चों पे होगी, ढाई मोर्चों पे। आज वो बयान सच साबित होता हुआ दिख रहा है। ढाई मोर्चे जानते हो ना, एक फ्रंट पाकिस्तान, एक चाइना, बाकी बचा आधा कौन सा, वही था जो आज हुआ है। ये दूरदर्शी लोगों की दूरदर्शिता होती है। कितने पहले वो स्टेटमेंट दे करके गए थे, जंग जो होगी ढाई मोर्चों पे होगी। उन्होंने पहले ही कह दिया था अंदर की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। हम इस विषय पर कई दिन से चर्चा कर रहे हैं कि सरकारें प्रशासन भीड़ तंत्र के आगे झुक जाती है। सच्चाई भी है और उनको झुकना भी चाहिए, क्योंकि देश बचाना है, देश चलाना है। उनको पता है कि हमारा समाज अभी बहुत ज्यादा निष्क्रिय है, उसको परवाह नहीं है। जिस प्रकार पहले सीए के नाम पर पूरे देश को जलाने की कोशिश करी गई, किसी प्रकार मुझे लगता है अब मुझे ध्यान में आता संयम बरत कर रोक लिया गया। फिर अराजक आंदोलन के नाम पर रोका गया, आज फिर चल रहा है। शुभम जी, जब तक भीड़ तंत्र का जवाब भीड़ तंत्र से नहीं दिया जाएगा, जब तक बात नहीं बनेगी, जब राष्ट्रद्रोही लोग अपनी गलत मांगों को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी लोग भीड़ तंत्र का ताकत बनाकर सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते? ये हमें करना पड़ेगा। और सरकारों को उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, उन लोगों की जो लोग इस धर्म की लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस राष्ट्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो लोग अपना सर्वस्व निछावर करके लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन में बैठे हमारे साथियों को भी सोचना होगा कि तुम्हें पत्थर कहाँ मिलते हैं और संरक्षण कहाँ मिलता है। तुम किनके पीछे छिपकर अपने आप को बचाते हो और किनसे बचकर अपने आप को किनके पीछे छिपते हो, ये सारी चीजें तुम्हें सोचनी होगी, तुम्हें समझनी होगी कि किन लोगों से तुम्हें खतरा और कौन लोग तुम्हें बचाते हैं। शुभम भाई, सैकड़ों ऐसे मामले हुए हैं जब आम पब्लिक ने पुलिस वालों को बचाया है, खुद आगे होकर पुलिस वालों को पीछे करके अपने आप को बचाया है। हम ये नहीं कहते, आप भी इंसान है, दर्द आपको भी होता है, पत्थर जब आपके लगता है, जब भीड़ आपकी तरफ भागती है तो डर का माहौल आपके अंदर भी बनता है। तो उन लोगों को जवाब दो और खड़े हो जाओ उन लोगों के साथ जो राष्ट्र और धर्म का काम कर रहे हैं। यदि उन लोगों का मनोबल तोड़ते रहोगे, उन लोगों पर झूठी एफआईआर करा के उनको जेलों में भेजते रहोगे, तो कौन आएगा इस राष्ट्र रक्षण के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर? यदि दीपक सिंह हिंदू ये कहे कि नुपुर शर्मा बहन के सपोर्ट में हमें जंतर मंतर पर 100 लोग इकट्ठे करने हैं, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी कि वहां मैं 100 लोग इकट्ठा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। 500 लोगों को कॉल करूंगा, उसमें से भाई साहब छुट्टी नहीं है, भाई साहब काम पे जाना है जी, कितने बजे आएंगे जी, पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा जी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। और 500 लोगों को फोन करेंगे और उसमें से 50 आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात। मैं मनोबल तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। कड़वा सच्चाई है, और उंगली होना करना कैसे सबसे चाहिए, आसान है। होना कैसे चाहिए शुभम भाई, 500 को सूचना करो तो 50,000 लोग इकट्ठे हो, वो 500 के 500 अपने अपने 10 10 20 50 50 सूचना करें। भाई राष्ट्र पर संकट है, धर्म पर संकट है, बहन नुपुर शर्मा किसके लिए लड़ रही है, क्या गलत बोला है उन्होंने, चलिए उस बहन के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आज इन्होंने 20 जगह सड़कों को जाम करा, हम 100 जगह शांतिपूर्वक तरीके से खड़े होंगे, हम कहेंगे क्या सही क्या गलत है। तो देखिए शुभम भाई, डर को डर से मिटाया जा सकता है और कोई दूसरा साधन नहीं है, ताकत को ताकत से रोका जा सकता है, मायावी को मायावी बनकर ही जवाब दिया जा सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, साधु बनकर आप उसका जवाब नहीं दे सकते। और भीड़ तंत्र को भीड़ तंत्र से ही रोका जा सकता है, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ ये हो सकता है उनका तरीका दूसरा है, हमारा तरीका दूसरा हो। हम ये नहीं कहेंगे कि जिस प्रकार से वो लोग देश को नुकसान करें, क्योंकि ये देश हमारा है, हम देश को नुकसान नहीं करेंगे।